हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ इंदु चौधरी। मैं आपको देती हूँ बहुत सारी होम रेमेडीज अबाउट योर हेल्थ स्किन एंड हेयर। तो आज जिस रेमेडी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है लिपॉन लाइक हेयर सीरम। कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि जो हमारे हेयर हैं आफ्टर वॉश भी बहुत ही सिल्की स्मूथ बाउंसी से दिखे। पर हम लोग तेल नहीं लगाना चाहते, ऑयल नहीं लगाना चाहते, उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे बाल जो है वो स्टिकी लगते हैं, बहुत ही ऑयली से लगते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुछ ऐसा हो, कुछ जेल ऐसा हो जिससे कि जो हमारे बालों का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा लगे, बट वो केमिकल बेस्ड भी ना हो, तो उसका क्या उपाय है, उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इसी रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ। आपने यूज़ करने हैं बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो बिल्कुल आपको आपके घर में मिल जाने वाले हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल आपको हो जाएंगे। एंड इन सबको यूज़ करके आपके जो हेयर है वो आपको थैंक्स बोलने वाले हैं। यस, क्योंकि उससे आपके जो बाल हैं बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड हो जाएंगे, उनमें कोई केमिकल नहीं होगा, तो उनको जो है एक नेचुरल नरिशमेंट मिलेगा, आपके बाल आपको थैंक्स करने के लिए नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसा जेल बनाना है, ऐसा हेयर सीरम बनाना है जिससे कि जो आपके बाल हैं वो नरिश भी हो और आपकी जो स्टाइलिंग है वो भी प्रॉपर हो, कोई केमिकल जेल भी ना लगाना पड़े, कुछ केमिकल बेस भी ना लगाना पड़े। तो क्या ऐसा पॉसिबल है नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ? यस, तो चलते हैं आज की रेमेडी पे जिसपे हम दिखाने वाले हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज करके आप नेचुरल लिवॉन बना सकते हैं, अपने घर पे नेचुरल लिवॉन बना सकते हैं। आपके जो हेयर है दैट इज गोइंग टू बाउंस, दैट इज गोइंग टू फ्लाई एंड यू विल बी सो अमेज्ड टू फील द एक्सपीरियंस। सो लेट्स जंप ऑन द रेमेडी। लिव ऑन लाइक हेयर सीरम बनाने के लिए हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप अपने घर के प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स आपको एक ही लिंक पर अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के और हेयर के लिए वरदान है। इट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट टू योर स्कैल्प। यह आपकी बालों की कंडीशनिंग के लिए बहुत ही कारगर है एंड आपकी स्कैल्प को डीपली नरिश करता है। तो यहाँ आप 3 से 4 स्पून एलोवेरा जेल ले लें। देन हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है नारियल तेल, मतलब कि कोकोनट ऑयल। आपके पास घर में जो भी कोकोनट ऑयल अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल गिव्स नरिशमेंट एंड कंडीशनिंग टू योर हेयर। अब यहाँ पर जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं वो है फ्लैक्स सीड ऑयल। यहाँ हम 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड ऑयल लेंगे। इसकी जगह आप विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, या अगर वो भी ना हो तो आलमंड ऑयल। इन तीनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट एड्स एक्स्ट्रा नरिशमेंट ऑफ विटामिन ई टू योर हेयर। उसके बाद हम इसमें आरओ प्योरीफाइड वाटर ऐड करेंगे एंड मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी स्मूद ना हो जाए। अब ये मिक्सचर रेडी है। इसको आपको रेडी टू यूज़ करने के लिए एक पंप वाली बोतल में स्टोर करना है एंड जब भी आपको ये बालों में लगाना हो तो ईज़िली पंप से निकाल कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन जितना आपके बालों के लिए इफ़ेक्टिव है उतना ही आपके स्किन के लिए भी है, बिकॉज इसमें यूज जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन को डीपली नरिश करते हैं। इस सीरम को आप आफ्टर वॉश अपने हल्के गीले बालों में यूज़ कीजिए। आप अपने बालों को पहले से भी ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ फील करेंगे, वो भी बिना ऑयली वाले लुक के। तो इस सीरम को आप अपने घर पर ज़रूर बनाइए एंड कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो कैसा लगा आपको ये हेयर सीरम? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने अभी भी यूज़ कर रखा है एंड आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि मैं अपने बालों को बस टच करती हूँ। दिस सो अमेजिंग, बहुत ही एक ना सिल्की सा स्मूथ सा टच पे को फील हो रहा है इस टाइम पे। आप लोग यूज़ करिए, अपने घर पे बनाइए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। कैसे लगी ये रेमेडी आपको मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा, कमेंट करके अगर मेरे रेमेडी में आप कुछ और एड ऑन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, आपने यूज़ किया, आपने लोगों को बताया, वो एक्सपीरियंस भी आप मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको किस चीज़ के लिए लेके आऊँ वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।